सिटी मिशन के अंडर हम ये कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर स्कूल्स हैं यहाँ पे दो, उनके साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, तो सारा जो एग्जीक्यूशन है हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं विद सपोर्ट फ्रॉम स्मार्ट सिटी एंड श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्टिवेट दिस पब्लिक स्पेस, एंड जैसे कि आपने देखा होगा वी आर नॉट जस्ट मेकिंग इट अ ब्यूटिफुल स्पेस, बट सुबह से जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं दे वॉन्ट टू एंगेज विद दिस स्पेस, एक एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट जेनरेट हो रहा है. और हमने ऐसे कई सारी स्पेसेस आइडेंटिफाई की हैं सिटी में. इनफैक्ट हम इसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि हम जहांगीर चौक जो पॉइंट एरियाज हैं उसके बाद हम डाउनटाउन भी जाने वाले हैं. सो वी वांट टू डू समथिंग अलोंग द रिवर, तो जो घाट्स हैं और वो सारी इंटरेस्टिंग स्पेसेस हैं. क्योंकि हमने कोविड में देखा कि हम जब अपने घरों में कैद थे, हमने इसकी अहमियत को दोबारा समझा कि पब्लिक स्पेसेस कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ऑल ऑफ अस नीड टू कम आउट इन द सिटी एंड क्लेम आवर स्पेस इन द सिटी. तो उसी प्रोसेस के अंडर हमने ये ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम सारे कश्मीरी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं शिकारा है, हमने लेक्स, वाटर बॉडीज, हमारा जो आर्किटेक्चरल कल्चरल हेरिटेज है उन सब चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश. और जो ये हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे, ये हमें ये स्पेस जो बोला था ये यहाँ पे कुछ इसका यूज़ नहीं है. इसकी एक स्ट्रीट राइट साइड से जाती है और एक लेफ्ट साइड से, और ये बीच में एरियाज आया होता है. तो इनने बोला यहाँ पे कुछ करते हैं जहाँ पे सिटिंग हो सकती है, या इस एरिया को एक्टिवेट करना है हमें, यहाँ का फुटफॉल हमें इंक्रीज़ करना है. तो उसके लिए अब यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है. अभी पहली इंस्टॉलेशन थी हमारी, हमें ग्राउंड पेंट करना था. इसके बाद यहाँ पे फर्नीचर लगेगा, थोड़ा सा टेम्प्रेरी फर्नीचर, और लाइटिंग लगेगी यहाँ पे. और जो ये है हम जो बना रहे हैं ये कश्मीरी कल्चर से रिलेटेड है सारा. तो इनमें हमने एक रबाब बनाया बीच में, एक कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट, और हमने यूज़ किया पिंजराकारी होता है जो यहाँ पे एक क्राफ्ट था, लोकल क्राफ्ट कश्मीर का पिंजराकारी, वो था यहाँ पे. और उनमें हमने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं.